नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 24। मैं हूं आपके साथ प्रेम कुमार। अभी मैं मौजूद हूं आरजीएस कॉलेज के कैंपस में। यहां पे मैं आया हूं छात्रों से ओपिनियन लेने के लिए। जानते हैं उनका इस विषय पे क्या ओपिनियन, तो चलिए चलते हैं इनके छात्रों के सामने जानते हैं। एक्शन। अभी मैं मौजूद हूँ आरसीएस कॉलेज के कैंपस में। जी हाँ, मैं एक बात स्पष्ट कर दूँ, ना गाड़ी है ना घोड़े हैं, ना पहरेदार दिखते हैं, शरीफों के चाहते हैं सभी को यार दिखते हैं। वहाँ पर कौन है लीडर एक भाई जैसा हो, हमें तो सच्चे संत से ज्यादा ये उम्मीदवार दिखते हैं। जी हाँ, और हमारे साथ पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष अमृतांशु कुमार जुड़ गए हैं। जानते हैं उनका इस विषय पर क्या है, उनका क्या कहना चाहेंगे सर? तमाम छात्र छात्राओं की जो भी समस्या है उस मुद्दे को और जो हम लोग का डिमांड है उसे पूरा कराने आप लोग का बहुत बड़ा मुद्दा। वर्तमान समय में आप जैसे महाविद्यालय आए होंगे तो यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है कि सुरक्षा को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा है कि भाई इससे पूर्व आज से 4 दिन पूर्व एक बाइक चोरी हो गया, तो जिसका एक रूप हो गया है कि हमारे महाविद्यालय का 4 दीवारी में इससे पूर्व मैं जिस समय छात्र के अध्यक्ष हुआ करता था तो मैं इसके लिए हमने अनशन किया था। उस समय सीसीडीसी महोदय, प्रोविंसी महोदय एवं यूनिवर्सिटी के तमाम पदाधिकारियों के द्वारा मुझे आश्वासन लिखित आश्वासन दिया गया था कि अविलंब जो भी आश्वासन का मांग है उस डिमांड को पूरा किया जाएगा। लेकिन आप वर्तमान में देख सकते हैं कि 4 दिवाली के लिए एक भी छोटा सा भी कदम उठाया नहीं गया। जहाँ तक छोटी मोटी मूलभूत समस्याओं की कमी थी, वो सारी समस्याएं शासन के डिमांड किए जाने के बाद हमारे अनुसार के बाद पूरा हुआ। एक सर प्रश्न है सर, आप छात्र क्या होने वाले जो छात्र बनेंगे उनको क्या उपदेश आप देना चाहते हैं? इस कॉलेज की सबसे बड़ी समस्या है कि छात्र आते हैं लेकिन नगर नाते हैं, इसमें कहीं ना कहीं क्यों नहीं छात्र रेगुलर क्लास नहीं होती तभी नहीं आती। इसका मुख्य एक वजह था कि हर एक विभागों में प्रोफेसर की घोर कमी थी, हर एक गांव में प्रोफेसर नहीं थी। मान लिया जाए कोई सा स्टूडेंट अगर केमिस्ट्री ऑनर्स लिया है तो सिर्फ जैसे मैं खुद केमिस्ट्री ऑनर्स का छात्र था लेकिन हमारे महाविद्यालय में केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे ना, फिजिक्स के थे, तो कोई एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आएंगे तो अदर सब्जेक्ट पढ़ने के लिए कहाँ जाएंगे। तो सबसे बड़ी समस्या थी कि कहीं ना कहीं इसमें छात्र और जिस तरह के प्रोफेसर हैं उसमें रेगुलर क्लास चलता है, मैं इसका प्रमाण दे सकता हूँ या छात्र भी आप जानकारी ले सकते हैं कि जैसे जो लोग जानकारी लेते हैं हमारे साथ और बहुत सारे छात्र क्या नाम है सर आपका? नीतीश कुमार। क्या करते हैं सर आप? ये सर ये पार्ट यही पढ़ाई करते हैं, तो यहाँ पे सर कैसा माहौल आपको लग रहा है? यहाँ पर सर सुरक्षा नाम की सुरक्षा नाम की मेरा नाम निशान कुमार है, मैं आपके विभाग के अध्यक्ष हूँ। जी जी जी, आप सर क्या कहना चाहेंगे? जो भाई बोले हैं सुरक्षा नहीं है हमारे कॉलेज में, इसके आप क्या व्यवस्था करते हैं? ये सुरक्षा अभी जो वर्तमान में है जी अच्छा होगा और जो सब सुरक्षा रहा है कब तक आप आश्वासन देते रहेंगे? आश्वासन हम ये लास्ट होगा आश्वासन जी जी, और हम तो अब जी हमारे साथ और जुड़ गए छात्र, उनसे जानते हैं इस विषय पे क्या ओपिनियन। सर आप क्या करना चाहेंगे सर? आपसे इस कॉलेज में पढ़ते हैं क्या, कैसी व्यवस्था है सर यहाँ पे? यहाँ की व्यवस्था में हमको हम छात्रों को अगर त्रुटि नजर आ रहा है जी तो हम उम्मीद करते हैं छात्र सर आप ही में से कोई छात्र बोलते हैं ना, तो सर हम बोल रहे हैं सर कोई छात्र अगर उनको त्रुटि महसूस हो रहा है जी हम छात्र नेता से गुजारिश कर रहे हैं जी त्रुटि दूर किया जाए जी जी। अगर इनका कहने का मतलब साफ देख रहे हैं, हम सब मिल के इसको दूर करेंगे और जानते हैं और हमारे साथ और जुड़ गए कुछ लोग, क्या कहना चाहेंगे? रेगुलर क्लास नहीं हो रहा इसलिए आप क्या करना चाहेंगे? स्टूडेंट का मैंने यह मैंने सही हो या सही हो जी है,
सबको मैंने जागरूक किया जा रहा है जो क्लास आगे कीजिए, लेकिन क्लास में स्टूडेंट बहुत नहीं आ पाते हैं। जानते उन्हीं के जुबानी क्या कहना चाहेंगे। आपका क्या नाम है? इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली है, कॉलेज बहुत पुराना है और इनके पेरेंट्स भी बोलते हैं यहीं पर पढ़ाई करें। और जानते हैं हमारे साथ और कुछ छात्र जुड़े हैं, उनके इस विषय में क्या है ओपिनियन, जानते हैं इन्हीं के जुबान। आप क्या कहना चाहेंगे? आज हम ले रहे थे लोगों का ओपिनियन, आज हम मौजूद थे आरसीएस कॉलेज के कैंपस में। जी हाँ, आज हम ले रहे थे विभिन्न छात्रों का ओपिनियन, क्या है इस कॉलेज की मूलभूत इकाई। आज की पेशकश में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन योगेश कुमार के साथ मैं प्रेम कुमार, नमस्कार।